सामान के ये आया है घूमने जाने। देखो फिलहाल गाड़ी तो साफ हो चुका है, लेकिन 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 भाई क्या चल रहा है, क्यों इतने सारे तैयारी, सारा कुछ बात करते हैं यार, बहुत ही जल्द चलिए तैयार होते हैं। एंड भाई टाइम इज 5:58 एंड भाई हम निकल पड़े हैं अपने ट्रिप पे। लेकिन लेकिन वेट 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 व्हाट, अरे ये तो हमारा ही बंदा था, गाड़ी में ना बैठ के आगे से कहाँ आ रहा है। ओ भाई, अरे भाई साहब टाइम भाई 1 घंटे बाद एंड हम अभी तक घर पे हैं। फिलहाल हमारा बाइक भाई फुल्ली तैयार हो चुका है एंड हियर वी आर रेडी टू गो। आज तक की सबसे लेट ट्रिप ये है, सबसे लेट में निकल रहे हैं, इसको भाई निकलने की जल्दी ही नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी ही नहीं है, क्या करें हम ठहरे आलसी, क्या करें। तो फिलहाल आलोक भैया नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं, क्योंकि आलोक भैया को सोना आया। चले तो फिर वेलकम बैक टू अर्थ भाई, ये कवर है इसको इग्नोर कर लीजिए, वेलकम बैक टू अर्थ चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट प्रीतोष एंड भाई लेट्स स्टार्ट। एंड भाई ये आज तक का ना सबसे बिना प्लानिंग वाला जर्नी है, हम अभी तक नहीं पता कि आज कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, आज क्या कब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पता, सब रास्ते पे फाइनल होगा। फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ पे एंड आपको टाइटल थंबनेल देख के हमसे पहले आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि हम निकलने के लिए जा रहे हैं लेकिन हमको भाई साहब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भाई, आफ्टर सीरियसली लॉन्ग टाइम, करीबन करीबन डेढ़ साल बाद हम फिर से निकल चुके हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग बाइक ट्रिप पे भाई। ओहो क्या मजा आएगा गुरु। फिलहाल हम तो मजे लूटने ही चल रहे हैं, मजे लूटेंगे, आपको भी मजे दिलवाएंगे एंड एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट भाई, सारे बात यहाँ पे ही कर लेंगे, चलिए निकलते हैं हाईवे पे। अब स्कूल की टाइमिंग हो गई, अरे 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 भाई रुक जाओ यार, थोड़ा सा हमें तो रूट दे दो। तो बच्चे बहुत दुख के साथ स्कूल आ रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे बड़े खुशी होंगे भाई। ओहो देखिए देखिए, अभी मैं किसी के झंडे को व्हील के नीचे कुचला भाई, झंडे ऐसे वैसे मत फेंका करो यार, ये आप लोगों की शान है। फिलहाल ये अलग बात है, सुबह 4 बजे से निकलने की हम ट्राई कर रहे हैं एंड निकल ही नहीं पा रहे हैं, साला किसकी एक नज़र लग गई शायद, आई डोंट नो यार, लेकिन जो भी, अरे इतना भाग मत यार, टीचर नहीं डांटेगा। भाई हियर वी आर एट जियो भाई पेट्रोल पंप, यार सुबह सुबह पेट्रोल पंप पे लाइन, कोई दिक्कत नहीं भाई, टैंक भरवाते हैं, फ्यूल व्यूल डाल चुके हैं एंड 9:58 ट्रिप मीटर करते हैं 0 एंड निकलते हैं, हियर वी गो। लेकिन भाई धुंध हाईवे पे आप लोग शायद ही देख पा रहे होंगे, क्योंकि कैमरा पे तो धुंध पता नहीं चलता, हम लोग जब भाई कार पे ट्रैवल करते हैं ना तो धुंध देखने के लिए, धुंध से आगे देखने के लिए ना कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैमरा पे धुंध इतना पता नहीं चलता, शायद आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन भाई विजिबिलिटी 150-200 मीटर के अंदर ही है एंड भाई धुंध से ना ये खेत सारे बहुत अच्छा दिख रहा है। फिलहाल ये एक रास्ता बन रहा है जो कि हमारे घर के तरफ होके आएगा। भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है एंड आज हमने मैप नहीं लगवाई, लेकिन फ़ोन है लेकिन वो मैप का स्टैंड है अपने साथ, क्योंकि आज का जो जर्नी है ना उतना तो रास्ता भाई हमें पता है, अगर होगा तो शाम को लगाएंगे, फिलहाल इतना लेट हो चुका है ना तो भाई थोड़ी थोड़ी भूख लग रहा है एंड सुबह सुबह आपको बताया नहीं था ना लेट क्यों हुआ भाई, ये लाइट हमने जो एक्स्ट्रा लाइट फिक्स किया था, आप अगर पिछले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो वो लाइट में थोड़ा सा दिक्कत था तो उसको सही कर रहे थे एंड ये स्विच भाई उतर चुका है, इसको हम ऐसे ही लगाए हैं, पता नहीं ये स्विच कितने दूर चलेगा, रास्ते में कहीं पे मिलेगा तो सही कर लेंगे। फिलहाल टायर तो नया है, टायर की कोई दिक्कत नहीं आने वाली एंड
और कुछ नहीं, लेट्स गो। एंड यहाँ से थोड़ा सा इत्थू सा अपबिट लेके हम इस तरफ जाएंगे जहाँ गंजम लिखा हुआ है। जी हाँ, यही हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। एंड हमेशा की तरह ये हमारा स्टॉप है भाई, ब्रेकफास्ट स्टॉप यार। सुबह के बज रहा है 7:48, 8 बज चुका है, 4 बजे से उठे हुए हैं भाई। बहुत तेज से, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज से भूख लग रहा है, तो भाई खाना तो बनता है भाई। आ चुका है पूरी एंड इडली, आज भी खा रहा है पूरी एंड इडली, पूरी एंड इडली भाई। गाड़ी का परफॉर्मेंस तो सही है अभी तक के लिए। फिलहाल खाना खाते हैं, फिर गाड़ी के बारे में बात करेंगे। गोप्रो यहाँ पे चार्ज बैठा है यार। गोप्रो कैसे 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 भाई, बंद कैसे हो गया? चलिए देखते हैं। किलोमीटर हमें टच करने हैं एंड अभी तक बस 33 किलोमीटर आए हैं। और क्या कहें आपको, 567 परमपुर से अराउंड वही लगा लीजिए 600 किलोमीटर। तो बेसिकली हमें यही NH-16 पे ही ठहरना है जब तक जा पाएंगे तब तक भाई, क्योंकि ये हाईवे तो कलकत्ता तक ही जाती है मेरी जान। चलिए दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ चिल्का एंड हम घर से करीबन 50 किलोमीटर आ चुके हैं भाई। फ्रॉग वाला क्या लगा के काटा यार, डर लगा। चलो भाई साहब, वेयर वी आर एट आवर फर्स्ट टोल 51 किलोमीटर के बाद। एंड भाई यहाँ पे ना मोदी जी बिल्कुल हमारे हेल्प करने वाले हैं। मोदी जी के मदद से हम यहाँ पे बिना पैसे दिए ही टोल को क्रॉस कर रहे हैं भाई। टोल क्रॉस्ड यार, तो भाई हियर वी आर क्रॉसिंग बालूगांव। बालूगांव अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ से हम चिल्का लेक की सैर कर सकते हैं। आपके जानकारियों के लिए मैं बता दूं कि एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है चिल्का। एंड ये ट्रक वाले भैया ना ऐसे ही करते हैं भाई, हमको तो जाने दे यार, तुम्हारे वजह से देख मेरा 50 पे आ गया ना गाड़ी भाई। 80 किलोमीटर के बाद हम ले रहे हैं टी ब्रेक भाई। भाई 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 धुन तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये गोप्रो भाई बार बार ऑन हो जा रहा है, पता नहीं क्यों यार। ये शायद मीडिया मोड में कुछ प्रॉब्लम है। एंड भाई साहब यार, वी आर एट, आदि तो बिल्कुल गजब की तरीके से बैठा है ना पीछे पीछे, उसको लेटने के लिए स्पेस मिल गया है। एंड ऊपर से ये भाई गद्दा, ये गद्दा है भाई, बिल्कुल उसको सोफ़ा जैसे लग रहा होगा। फिलहाल अभी मैं थोड़ा पीछे बैठ जाऊंगा, नया टायर है। ओहो, हमारा सिकदा वेस्ट का स्टिकर भी नया है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई ये रहे हम एंड ये रहा रास्ता। करीबन 20-25 किलोमीटर पहले भुवनेश्वर से एंड टाइम इज 9:56। भाई क्या स्पीड है यार बंदे का, बंदा बहुत तेजी से भागा रहा है। एंड दिस इज ए शॉर्ट पी ब्रेक जो कि हमारा खत्म हो चुका है, निकलते हैं चलिए। तो भाई आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे कनेक्ट करता है चेन्नई से कलकत्ता तक, जो कि हमारे भुवनेश्वर होते हुए जाता है, विशाखापट्टनम भुवनेश्वर होते हुए। फिलहाल तो ये जो रोड है ना, काफ़ी जगह पे 3 लाइन बन चुका है, यानी कि 6 वे हो चुका है।
लेकिन अभी भी कुछ कुछ प्लेस है जहाँ पे ये काम चल रहा है। फिलहाल ये करीबन 3-4 साल से चल रहा है यार, शायद अगले 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। हमारे वो ब्रह्मपुर का पैच ही बाकी है। फिलहाल आगे मेरे हिसाब से कलकत्ता तक बिल्कुल ऐसे ही हमें हाईवे मिलने वाली है, तो बीच बीच में स्पीड कैमरा आता है। एंड हमारा उड़ीसा का जो बाइक का स्पीड है वो 60 है, तो मैं भाई 70 से नीचे ही आ जाता हूँ। पता नहीं किसका दिमाग ख़राब होगा तो मेरा काट देगा। तो ऐसे भी ओवर स्पीडिंग करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें भाई दिन में 400-500 किलोमीटर करना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा यार बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं। आ गया मतलब हियर वी आर एंटर्ड भुवनेश्वर भाई, करीबन 7, 8, 9, 10, 10:30 3.5 घंटे लग गया यार भुवनेश्वर आने में। क्या करे भाई। आदि तो भाई 1 मिनट में ना 10-15 बार रहता है, तो भाई कैसे जाएंगे आगे 1 मिनट में। नहीं ऐसे मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटे में 10-15 बार सही है, ये सही है भाई, ये सही है। आप देख रहे हो ऑफिस टाइम में भुवनेश्वर में कितना ट्रैफिक भाई, बहुत लंबी ट्रैफिक है, बहुत दूर से लगी हुई आ रही है। ओ भाई आजकल भुवनेश्वर भी दिल्ली बन गया है भाई, भुवनेश्वर एंड दिल्ली में कोई फर्क नहीं रहा। फिलहाल टाइम, अरे गाना नहीं यार, टाइम दिखा दे यार, टाइम 10:30 एंड भुवनेश्वर क्रॉस कर रहे हैं भाई। इतना लेट तो होना नहीं मांगता था, पहुँचते 7:30 ऐसे कुछ हो जाएगा। Me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend. भाई, यहाँ पे 3 ब्रिज है ना, ये एक पुराना ब्रिज है भाई, ये है रेलवे लाइन, रेलवे का 2 ब्रिज, ये 3, ये 2, 5, वो 2 नया है, ये फिलहाल पुराना वाला ब्रिज है। एंड वो वाला जो जाता है ना, वो कटक टाउन से होते हुए जाता है, एंड ये 2 तो भाई ट्रेन लाइन, वो भी टाउन से होते हुए ही जाते हैं। फिलहाल ये वाला रास्ता हाईवे से होते हुए गुजरता है, लेकिन बिल्कुल हाईवे नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वही, ये दोनों आगे जाके एक जगह पे फिर से मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से आपको नीचे जाना बाउंड है, यानी कि टाउन के अंदर घुसना, इसमें जाने से टाउन में जाना बाउंड नहीं है भाई। बहुत हो गया ज्ञान के बाद, अब आगे निकलते हैं। चलिए तो फिलहाल वेलकम टू कटक, केरू यार एट कटक भाई साहब, कटक से हमारे कुछ भाई लोग हैं। केरू यार एट मंगोली भाई, ये मंगोली है, क्योंकि ओवरब्रिज देख के मेरे को पता चल गया यार, पता चल गया भाई। हम आ चुके हैं मंगोली। भाई हियर वी आर एट चंडीखोल एंड दिस इज द वे भाई, ये वही रास्ता है जिधर से आप जा सकते हैं कहाँ भाई, केंद्र की तरफ। एंड देख सकते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल्स। एंड हमारा इस तरफ जाएंगे या सीधे जाएंगे मयूरभंज, वो जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, एंड फिर उस तरफ होते हुए आप कहीं भी निकल सकते हैं। फिलहाल इस बार तो हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से आगे भाई धूम मचाने के लिए। चलिए ना धूम मचाते हैं, क्या देख रहे हो यार, चलो। हाँ मैं आड़ू भैया को फ़ोन किया था, आड़ू भैया हेलमेट ढूंढ रहा था। फिलहाल आड़ू भैया फ़ोन किया था, आड़ू मतलब आलोक भैया, एंड यहाँ पे तरबूज मिल रहा है भाई, वाटरमेलन, लेकिन हमको भाई ये चाहिए, बॉडी को भी हाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट होने से रास्ते पे मर जाएंगे, निपट जाएंगे भाई, हमारा फाइल तो निपट ही जाएगा भाई। बिल्कुल मीठा है यार, बहुत ही ज़्यादा मीठा है। हाँ फिलहाल तो भाई ये हाईवे एंड ये रास्ता अगले 2 दिन तक हमारा सफ़र का साथी है, एंड नहीं भाई हमारा सफ़र का साथी ये है,
ओहो भाई टायर क्या गजब का दिख रहा है यार। ऑसम ऑसम ऑसम। एंड ये बंदा भाई रास्ते भर इतना तेजी से चलाता है फिर फोन पे लग ही जाता है। देखो देखो भाई, एक रील नहीं, एक वीडियो नहीं, कुछ नहीं, कुछ बनाने नहीं देता है भाई। फिलहाल भाई ये देखो आदि ऐसे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है एंड हम आगे निकल रहे हैं। फिलहाल आज सुबह ही हमारा 1900 यानी कि 1900 सब्सक्राइबर्स एंड बोल सकते हैं हमारा फैमिली 1900 का हो चुका है भाई। 1900 मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा है लेकिन ऐसे देखा जाए तो भाई 1900 बहुत बड़ा है भाई साहब। काफ़ी जगह पे इस तरफ भी रोड के काम चल रहा है लेकिन भाई ये अच्छा है कि हम स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती यार। हम अभी ड्राइवर का आदान प्रदान कर चुके हैं एंड मैं रहा आगे, आदि बैठ चुका है पीछे एंड आप लोगों को दिखाने के लिए ये सुंदर सुंदर नज़ारे। भाई हाईवे के बीच में नज़ारे कहाँ से आएंगे। सो भाई झारखंड जाने के लिए ना यहाँ से वो वाली हाईवे कटती है एंड हम चल रहे हैं। ये क्रॉस करने के बाद आ जाएगा भद्रक, फिर बालेश्वर एंड भाई फिर हम एंटर हो जाएंगे वेस्ट बंगाल। लेट्स गो। नहीं, उसके बाद आखिरी के एक उड़ीसा का टाउन है जो कि छोटा सा टाउन है जलेश्वर। तो जलेश्वर के बाद आप एंटर हो जाएंगे एंड आज कहाँ रुकते हैं देखते हैं। शायद हो सकता है हम रुकेंगे खड़गपुर में या हो सकता है आगे निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, इसकी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। हम क्या करते हैं हमें भी नहीं पता, तो आपको कैसे प्लान बताएंगे। अरे अरे, इसका शांतिलता का ग्लास उड़ गई यार, जाने के बस की भाई। शांतिलता आप क्या समझते हो यार। भाई मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे पॉल्यूशन वाला है क्या, थोड़ा सा पॉल्यूशन कर देते हैं यार। पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यार, पॉल्यूशन क्या करेंगे, पॉल्यूशन करके क्या ही करेंगे। हमारे देश को थोड़ी ना बर्बाद करना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है। फिलहाल यहाँ पे भी हमको मोदी जी हेल्प करेंगे एंड हमारे लिए उन्होंने एक स्पेशली रास्ता बना चुके हैं। यार ये रोड साइड में इतने लंबे लंबे पेड़ किसने लगा लिए, गजब की पेड़ है ये भाई। सही है, टाइमिंग है, क्या टाइमिंग पे हमने स्लो किया भाई। ओह अब भी हम 70 पे है भाई। काट तो ना लिया, पता नहीं यार काट लिया कि नहीं भाई। फिलहाल मैं आपको बता दूं उड़ीसा का स्पीड लिमिट 60 ही है हमारे बाइकों के लिए, लेकिन हम भाई 70 पे आ रहे हैं। काट तो ना लिया, पता नहीं यार दिल में ऐसे धुक धुक हो रहा है, धुक धुक। अरे अरे, ये भाई को भद्रक जाना था इसीलिए बैक करते हुए आ रहा है डिजायर वाला भाई। फिलहाल वेलकम टू भद्रक, हियर वी आर एट। एंड भाई रास्ते में ना एक बहुत ही गजब का चुटकुला लिखा था यार, पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि किसी एक राजनीतिक दल से है। एंड भाई भद्रक के आगे कहीं पे जहाँ पे खाना खाने रुकते तो होता यार, लेकिन नहीं कहीं ढाबे पे बैठ के खाएंगे भाई। ढाबे पे जो मजा है ना और कहीं पे नहीं है। रेस्टोरेंट पे तो हम हर दिन खाते हैं घर पे बैठ के भाई, ले रेस्टोरेंट दे रेस्टोरेंट ऐसे ही चलता रहता है बरमपुर में। तो सही है गुरु, सही है। चलो वेलकम टू भद्रक। ओ भाई साहब, इतने ज़्यादा पहिए क्या लेके जा रहे हो यार। फिलहाल ये लॉजिस्टिक का ट्रक होता है जिनमें इतना सारा रहता है व्हील्स भाई, पहिए पहिए। हाँ, एंड आगे वाला जो खींचता है ना उसको, अरे यार याद था यार, कुछ एक बोला जाता है उसमें आप बस तो ही कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला इंजन होता है, मुझे बस उतना ही पता है। बाकी आप लोगों को जितना पता है मेरे को थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आप ऐसे भी करेंगे नहीं,
लेकिन प्लीज एक कमेंट, एक शेयर एंड भाई सब्सक्राइब तो बनता है, अगर नहीं किया है तो दबा के खींच के मारो यार सब्सक्राइब बटन को। एंड भाई अभी याद आया, हमारे गाड़ी पे फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल भी डालना है भाई साहब, पैसे उड़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूल भी डाल लेंगे, खाना भी खा लेंगे, आपको घुमा भी लेंगे, लेकिन आप एक छोटा सा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता है भाई, बनता है। मीटर हम अभी तक क्रॉस कर चुके हैं, एग्जैक्ट भाई एग्जैक्ट 300 किलोमीटर एंड और 300 किलोमीटर जाना है भाई। अगर खड़गपुर में रुके तो 200-220 देखते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ रात तक तो 300 किलोमीटर चले ही जाए, आज 600 हो जाएगा, फिर सोच रहा हूँ कल थोड़ा घूम लेंगे कोलकाता, क्योंकि आदि भी नहीं घुमा है कोलकाता, तो कल थोड़ा कोलकाता घूमने का प्लान बना रहे हैं, फिर परसों निकलेंगे तो परसों 600-700 किलोमीटर तो चल ही जाएंगे अगर रास्ता सही हुआ तो। पे कार चलता है क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं यार, क्योंकि फ्यूल तो भाई कम है। तो भाई फ्यूल डाल चुके हैं एंड हम 308 किलोमीटर आ चुके हैं एंड यहाँ पे ही एक रेस्टोरेंट है यार, खाना वाना खा लेते हैं, पूछते हैं क्या है क्या नहीं, अगर है तो भाई खाना खा लेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। अरे भाई फिर से म्यूजिक आ गया यार, ओके बताता हूँ, टाइम हो चुका है, अरे एक बज चुका है भाई 12:59, तो खाना खा के ही निकलेंगे यहाँ से अगर होगा तो। हमारा ये जैकेट बैग को कवर देते हुए एंड गाड़ी, भाई गाड़ी क्या रापचिक लग रहा है एंड गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है भाई, इसने लद्दाख किया है, नेपाल किया है, राजस्थान किया है, अरे कल ही तो धोए थे, ये कैसे आज हो गया। एंड ये वही पेट्रोल पंप है भाई, पेट्रोल पंप में ना ऐसे सारा चीज़ रहना चाहिए, देखिए डोम है, टॉयलेट है एंड वेटिंग हॉल भी है एंड भाई रेस्टोरेंट भी है यार, बहुत सही यार, ऐसे हर पेट्रोल पंप में बनना चाहिए। चलिए ऑर्डर देते हैं, खाना खाते हैं फिर निकलेंगे। भाई मज़ेदार लोकेशन है यार, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, यहाँ रास्ता है एंड भाई हमारे यूट्यूबर के लिए गाड़ी भाई अपने टेबल के पास ही है, तो यहाँ बैठो गाड़ी को घूरते रहो भाई एंड मज़ेदार सीनरी है यार। स्वागत कृष्णा भोजनालय भाई, अच्छा है यार, लोकेशन तो सही है लेकिन खाना कैसा है वो बस देखते हैं एंड खाना खा के यहाँ से निकलते हैं। भाई एज यू नो आदि कहाँ गया है, भाई गए बैठने वहाँ पे, ग्रेविटी वाला बैठने, तो वो ग्रेविटी वाला जब तक करके आएंगे तब तक हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा, फिर हम खाना खा के यहाँ से निकल लेंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आज कहाँ रुकेंगे, हो सकता है खड़गपुर रुक जाए, हो सकता है हम पहुँच जाएँ कालकाटा, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। भाई इस तरफ से प्लग बनाने में ना यही दिक्कत है कि टॉकिंग टोक्यो बुकिंग लंदन ऐसे ही होना है। चलिए खाना भी आ गया है तो खाना खाते हैं, ये भाई वेज का थाली है एंड एक आमलेट आएगा एंड ओहो भाई साहब भी आ गए यार, हाथ धोने जा रहे हैं, हमको भी तो हाथ धोना है, हमारा हाथ भी मैला है भाई, अरे देखो यार बिल्कुल गंदा है, खाना आ चुका है, हाथ धोते हैं फिर निकलते हैं। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. अब तो खा रहा हूँ भेज चाले, सारा कुछ आइटम भाई टेस्ट है। आदि भाई एक कैसा है, तो भाई पेमेंट हो चुका है, भैया ने अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया है, भैया थैंक यू, निकलते हैं, खाना बड़ा अच्छा था यार, थैंक यू। तो भाई खाना तो अच्छा था, फिलहाल निकलते हैं, खाना वगैरह ख़त्म हो चुका है, 100 भी भाई मस्त था यार, चलो निकलते हैं यहाँ पे। भाई देखो हेलमेट की क्या हालत है, दिन में भी ऐसी हालत होगी तो क्या करेंगे यार, चलो निकलते हैं। खाना वगैरह हो चुका है, यहाँ पे कोई टीम आए हैं जो कि खुद कुक करके खा रहे हैं, भाई ऐसे बहुत बंदे घूमते रहते हैं, आंध्र प्रदेश से है शायद, फिलहाल
इस मजेदार भाई साहब, इसके लिए तो कितना बड़ा पार्किंग स्पेस है यार, भाई गजब है यार। तो निकल रहे हैं, खाना वगैरह हो चुका है, मस्त सा। इतना बंदे हैं ना तो आप समझ जाइएगा कि भाई फिश मार्केट ही लगा होगा। नहीं यार, मटन मार्केट है ये तो। अरे यार, मैं तो गलत हो गया यार। लेकिन भाई फिश भी मिलता है यार, ऐसे थोड़ी ना होगा फिश ना मिलके। एंड भाई रास्ते के वजह से काफ़ी स्लो से चल रहे हैं, गाड़ी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि रास्ता आप लोग तो देख ही रहे हैं, एक तरफ काम चलता है तो दूसरे तरफ बंद, दूसरे तरफ चलता है तो एक तरफ बंद। तो भाई हम निकले थे 07 से, फिर आए 02, फिर आए 05, अभी चल रहा है भाई 01। 01 किसका नंबर है यार? 01 बालेश्वर का नंबर है, OD01। तो भाई ऐसे ही हम डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड भाई एट लास्ट स्टेट भी क्रॉस करते हुए चलेंगे। बस एक छोटी सी चीज़ के लिए, वो है आप लोगों का प्यार। भाई मुझे प्यार चाहिए, दे दो मुझे प्यार, दे दो यार प्यार, प्यार दे दो मुझे। mm-hmm.